तो हाय गाइस, मैं हूं आप सभी का नितेश ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हो मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है हमारे आज के स्पेशल शो फिल्मी मिर्ची का। तो जानते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ उन पांच टीवी और बॉलीवुड की खबरों पर जो कि आपको बॉलीवुड की दुनिया से करता है अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनी देओल की फिल्म की। जी हाँ, आपको पता होगा सनी देओल की फिल्म चुप लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से ज्यादा सुर्खियों में इनकी फिल्म सनी देओल की फिल्म है। और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से बॉलीवुड का भी बॉलीवुड एक्टर जितने भी हैं सारे फिल्म की मुसीबत काफी बढ़ती जा रही है। लगातार इनकी फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई थी, 75 रुपीज में फिल्म दिखा रही थी। तो ऐसे में बॉलीवुड वाले का भी बहुत ज्यादा फायदा और इनकी फिल्म काफी हिट हुई। तो एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि कैसे इन 4-5 दिनों में फिल्म रिलीज होके हुई तो कितनी कमाई अब तक कर पाई है सनी देओल की फिल्म ने। तो देखते हैं बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म चुप अच्छा बिजनेस कर रही है। यह फिल्म नेशनल सिनेमा डे के दिन 23 सितंबर को रिलीज हुई थी। इस दिन टिकट सस्ते होने की वजह से काफ़ी लोग फिल्म देखने पहुंचे थे, जिसकी वजह से फिल्म की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। अब तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आया है। सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म चुप ने तीसरे दिन 25 सितंबर को 2 करोड़ का बिजनेस किया है। यह आंकड़ा देखने में भले छोटा लग रहा है मगर सिर्फ 800 के करीब स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म ने यह कलेक्शन काफ़ी बेहतर किया है। इसी के साथ फिल्म का 3 दिन का कलेक्शन 7.13 करोड़ हो चुका है। आर बाल्की की फिल्म चुप एक क्राइम थ्रिलर है। फिल्म की कहानी दर्शकों को काफ़ी नई और अनोखी लग रही है। शनिवार को फिल्म की कमाई 2.7 करोड़ रुपये रही। वहीं अब तीसरे दिन फिल्म ने 2 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान लगा रही है। रविवार का कलेक्शन जोड़कर चुप ने पहले वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लिए हैं। फिल्म के रिलीज से पहले माना जा रहा था कि इसकी कहानी डिफरेंट है लेकिन इसकी एक अलग ऑडियंस होगी, नॉर्मल मसाला होगा शायद फिल्म के शौकीनों के लिए, फिल्म में शायद उतना पसंद ना आए। लेकिन लिमिटेड रिलीज से बावजूद चुप बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई साबित हुई और ठीक ठाक बिजनेस भी कर रही है। तो जी हाँ, अगली खबर है हमारी जेनिफर विंगेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप सभी को बता होगा जेनिफर विंगेट टीवी की मशहूर एक्ट्रेस है। उन्होंने टीवी के बहुत सारे टीवी शो में काम किया था, जैसे कि बेहद, बेपना, कसौटी जिंदगी की, ये सब मूवीज उन्होंने ज़्यादा किया है, सब शोज उन्होंने ज़्यादा किया है। फिर से में उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब फिर से एक बात बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जेनिफर विंगेट से जुड़ी। जेनिफर विंगेट अभी जल्द ही बॉलीवुड फिल्म मेकर के साथ बड़ा हाथ मिलाने वाली है। मींस उनको एक बहुत बड़ी फिल्म हाथ लगी है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में देखते हैं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने छोटे पर्दे पर धमाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन दिनों जेनिफर विंगेट भले ही टीवी की दुनिया से दूर है, इसके बाद भी वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ दिनों पहले जेनिफर विंगेट को लेकर खबर आ रही थी कि वो आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। एंटरटेनमेंट गलियारों की खबर के मुताबिक क्वीन जेनिफर विंगेट बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस भी बॉलीवुड में काम कर चुकी है, लेकिन असल मायने में उन्होंने साल 2015 में फिल्म फिर से में डेब्यू किया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेनिफर विंगेट की झोली में विशाल भारद्वाज की उनकी नई फिल्म आई है और ये फिर से के बाद उनकी दूसरी मूवी होगी। हालांकि फिल्म ने अभी तक जेनिफर विंगेट के किरदार के बारे में खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वह मुख्य भूमिका अदा कर सकती है। हालांकि अभी तक जेनिफर विंगेट की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। जेनिफर विंगेट ने टीवी की दुनिया में अपनी ज़बरदस्त पहचान भी बनाई है। इसके बाद वह दिल मिल गए में भी नजर आई थी। वहीं बेहद के जरिए जेनिफर विंगेट ने विलन का तौर पर भी लोगों का दिल जीता। इसके बाद वह बेपना में भी नजर आई थी। हाल ही में एक्ट्रेस कोड 2 में नजर आई थी। तो अगली खबर है हमारी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से जुड़ी। वैसे तो रणबीर कपूर की और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र तो हिट हो ही चुकी है। ऐसे में रणबीर कपूर ने रिसेंटली मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक बयान दिया है कि रणबीर कपूर की बीवी को, आलिया भट्ट को, सोने वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रणबीर कपूर से। वो सोती है तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सोती, अजीबो गरीब। तो एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे हम आपको कि क्या कुछ अजीबो गरीब हरकत करती है रणबीर कपूर की बीवी आलिया भट्ट सोने के टाइम पे। जानिए बेडरूम सीक्रेट क्या है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपने फिल्म ब्रह्मास्त्र की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं।
ये कपल इस दौरान लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल फ्रंट के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ एक ही बिस्तर पर सोना बहुत कठिन काम है। रणबीर कपूर से एक मीडिया पोर्टल के साथ इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वह एक बात बताए जो आलिया भट्ट के बारे में बर्दाश्त करते हैं। रणबीर कपूर ने जवाब देते हुए कहा कि जब आलिया भट्ट सोती है तो वो तिरछी होकर सोती है और आखिर में उनके बेड की जगह छोटी और छोटी हो जाती है। रणबीर कपूर ने आगे बताया कि आलिया भट्ट का सिर कहीं और पैर कहीं और होते हैं, वह बेड के कोने पर होते हैं और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आलिया भट्ट ने अपने पति रणबीर कपूर के बारे में इसी सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उनकी एक बात जो उन्हें पसंद है वो है उनकी चुप्पी। आलिया भट्ट के मुताबिक वह बहुत अच्छी श्रोता है, हालांकि यही बात है जो उनके सिर पर बर्दाश्त करती है क्योंकि कभी कभी वो चाहते हैं कि जवाब दे लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। तो अगली खबर है हमारी रश्मिका मंदना से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप सभी को पता होगा रश्मिका मंदना साउथ की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, उसे नेशनल क्रश भी माना जाता है। ऐसे में रिसेंटली वो स्पॉट हुई थी, वहां पे वो उप्स मोमेंट का शिकार हो गई थी। ऐसे में बहुत सारे यूजर्स उन्हें ट्रॉल कर रहे थे, लगातार कमेंट पे बॉयकॉट बॉलीवुड से ज्यादा उनकी कमेंट की बरसात होने लगी। लोग उनको कह रहे कहीं दादी अम्मा आ गई, तो कोई कह रहा था ये फिल्म के तौर पर ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो बॉलीवुड में बहुत हिट नहीं है। लेकिन उनके साउथ फिल्म की बात करें तो वो ये बहुत ज्यादा हिट हो चुके। तो एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे हम आपको कि कैसे ट्रॉलर्स लगातार रश्मिका मंदना की वीडियोस को ट्रॉल करते हैं और लगातार उनको बॉयकॉट करने की भी मांग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इस रिपोर्ट में देखते हैं। पुष्पा द राइज जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस और नेशनल क्रश रश्मिका मंदना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुडबाय के प्रमोशन में काफी व्यस्त है। इसी सिलसिले में वो हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई, लेकिन इस दौरान वो उप्स मोमेंट का शिकार होते होते बची। दरअसल रश्मिका का इस मौके पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रश्मिका मंदना ने बेहद छोटा ब्रालेट पहना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ओढ़नी और घाघरा पहना था। जब रश्मिका टीम के साथ जा रही थी तब वे उप्स मोमेंट का शिकार हो गई। इस दौरान उनकी स्टाइलिश ने उनका बचाव किया। हालांकि रश्मिका मंदना इसे नजरअंदाज करते हुए बिना झिझक आगे बढ़ जाती है। रश्मिका मंदना का वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी लगातार टांग खींच रहे हैं। एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, साइड वाली लड़की कह रही है छुपाओ दीदी, ये सब नहीं दिखाने का किसी को। एक यूजर का कमेंट है, बताओ साला, इनका कपड़ा संभालने के लिए भी लोग रखे हुए हैं, हद है यार। एक यूजर ने लिखा, लड़कियों का सही है, पहले छोटा पहनती है फिर उसे खींच कर बड़ा करना चाहती है, वाह। बात करते हैं रश्मिका मंदना की काम की, तो वो गुडबाय में उनकी पहली फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। विकास बहल के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। हाँ, तो जी हाँ, अगली खबर है हमारी साउथ मूवीज और बॉलीवुड मूवी से जुड़ी हुई। जी हाँ, आप सभी को पता होगा साउथ मूवीज KGF, RRR, पुष्पा, ये सब फिल्म साउथ में काफी ज्यादा हिट हुई। ऐसे में 30 सितंबर को भी एक आने वाली फिल्म है विक्रम वेधा, जिनमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान दिखेंगे। और आपको पता होगा विक्रम वेधा जो है 3-4 साल पहले साउथ मूवी की रीमेक है। ऐसे में देखना होगा 30 सितंबर जितना विक्रम वेधा ने 3-4 साल पहले विक्रम वेधा पार्ट 1 से कमाई की थी, क्या पार्ट 2 में विक्रम वेधा भी साउथ मूवीज की तरह ही रीमेक में कमा पाएगी। तो इस छोटी सी रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ खास है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। इसी साल रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई, यानी कि फ्लॉप हो चुकी है। दरअसल इस साल की शुरुआत में साउथ फिल्म RRR और KGF 2 ने हिंदी बेल्ट ऐसे हंगामा खड़ा कर दिया कि बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित हो गई। वहीं KGF 2 ने तो ऐसा धमाल मचाया कि पूरा बॉलीवुड हिलकर रह गया है। बता दें कि 30 सितंबर को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर हंगामा होने वाला है। इसी दिन ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा भी रिलीज हो रही है। मीडिया में चल रहे रिपोर्ट्स की माने तो 500 करोड़ के बजट में बनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 के आगे 175 करोड़ की विक्रम वेधा क्या टिक पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2017 में आई साउथ फिल्म विक्रम वेधा ने सिनेमाघरों में जबरदस्त हंगामा मचाया था।
अब इसी हिंदी को लेकर आ रहे डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री। फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल में हैं। फिल्म को बॉयकॉट ट्रेंड में उतना खतरा नहीं है जितना इसी दिन रिलीज हुई हो रही साउथ फिल्म पॉन्डियन सेल्वन से है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि विक्रम वेधा का कंटेंट इसी नाम से बनी हुई है तो साउथ फिल्म से अलग रहा तो इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर टिक पाना मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है मल्टी स्टारर फिल्म पॉन्डियन सेल्वन 1। तो ये थी बॉलीवुड की ताजा और तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही सुर्खियों, तीखी, चटपटी और टीवी से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए सोमवार से शनिवार और देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।